विश्ववंदनीय महाकारणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र भाव में सा भिक्षु संघ इन तीनों रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज के हमारे धम्म देशना का जो विषय है वह मध्यम निकाय में से एक सूत्र जो है हम देख रहे हैं, जिसका नाम है कपू चमम सूत्र। तो आज के पहले हमने कुल मिला के 20 जो मध्यम निकाय के सूत्र देख चुके हैं ना, उसमें हमने पहले देखा जो मूल पर्याय वर्ग उसमें 10 सूत्र थे, उसके बाद सिंहनाद वर्ग उसमें भी 10 सूत्र थे, अभी वो संपन्न हो गए हैं। उसके बाद जो है कपू चमम जो कोपम वर्ग है ना, जैसे पहला वर्ग मूल पर्याय वर्ग था, दूसरा वर्ग सिंहनाद वर्ग था, और तीसरा वर्ग जो है कोपम वर्ग है, उसमें जो पहला सूत्र जो है कपू चमम सूत्र है ना, या फिर ककोपम सूत्र उस ऐसा भी कहा जाता है। तो ओपम वर्ग का अर्थ यह है कि इस वर्ग में उपमा उपमा अलंकार के साथ है ना, सिमिली के साथ, उदाहरण के साथ भगवान जो है धर्म देशना देते हैं। उस जो उपमा के साथ दी हुई धर्म देशना है वह सभी इस वर्ग में संकलित की गई है, सभी मतलब कि मध्यम निकाय में के जो ओपम की है उपमा की। तो मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि सभी सूत्र मतलब भगवान बुद्ध तो हर एक सूत्र में अनेकों प्रकार की उपमाएं देते रहते, लेकिन इस सूत्र की इस वर्ग की ऐसी विशेषता है कि इसमें क्या है कि जो बहुत गहन जो है पालन करने योग्य जो बातें हैं वह सरल सरल हम उदाहरण को लेके है ना, जो हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे डेली लाइफ में जो हम उदाहरण देखते हैं उस उदाहरणों को अगर हम ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, उस उपमा से हमें एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है ये दिया है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अनेकों प्रकार की मिथ्या धारणाएं बताते हैं, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो अशुभ हो गया। ये क्या हो गया, बिल्ली और बिल्ली ने रास्ता काट देने का कनेक्शन अशुभ से कर दिया है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है ना। तो ये सिमिले होती है कि ऐसा उदाहरण देख के क्या हो सकता है, एक आधा प्रसंग देख के, एक आधी वस्तु देख के, एक आधी घटना देख के हमारे मन में एक कंसेप्ट, एक धम्मा, एक वितर्क उठता है ना। और तब उस वितर्क से क्या हो जाता है, उस घटना से देख कर क्या हो जाता है, हम जो जो वितर्क है जो धम्मा है उसमें क्या होते हैं, गहन चिंतन मनन करने लगते हैं। तो जब जब भी ये जो हमें दिखेगा, कुछ दिखेगा तो उससे हमें क्या हो जाएगा, जैसे मिराज है ना, रेगिस्तान में मिराज दिखता है, मृगजल जिसको कहा जाता है, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे मिराज रेगिस्तान में गए तो पानी पानी दिखता है, लेकिन वहां पे पानी होता नहीं, वो केवल रिफ्लेक्शन होता है अपने आकाश का। तो उस प्रकार से कोई मिराज को देख के इस संसार भी क्या है, इस मिराज के भांति क्या है, मनो मनोपंगा धम्मा है, मन ने तैयार किया हुआ है, मन से तैयार हुआ है, ऐसी क्या हो सकता है उसमें एक उस दृष्टांत लेके, वैसा दृष्टि लेके वो कंसेप्ट को समझता है ना। ये शरीर भी क्या है, इस शरीर को मैं मेरा समझ रहा हूँ, लेकिन ये शरीर भी क्या है कि मृगजल के भांति ही केवल मन से निर्मित है ना, नाम रूप है, और इससे क्या हो जाता है, ये जो आत्मा मुझे लगता है कि मेरा आत्मा है, लेकिन वैसा कुछ होता है। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ग की ये विशेषता है कि इस वर्ग से हमें सिमिलाई के द्वारा, उपमा के द्वारा, अलंकार के द्वारा बुद्ध जो है सम्बोधित देते हैं। तो पहला ही क्या है, कको कको उपम सूत्र, मान की जो जो क्या होता है वो सौ काटने वाला होता है ना, आरी आरी जिसको कहा जाता है मराठी में, जिसको करवत कहते हैं, जो काटती है लकड़ी काटती है ऐसे कर 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 कर,
उसकी उपमा देके ये सूक्त को एक्सप्लेन किया है। तो देखेंगे कि किस प्रकार से है। तो इस सूक्त की शुरुआत ऐसे होती है, एवं में सुतम से। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के आराम में जैतवन में विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान मौल्य फगुण है ना, ये मौल्य फगुण क्या है, एक भिक्षु है ना। तो वह उस समय की बात है कि मौल्य फगुण क्या करता था कि भिक्षुणी संघ था, तो भिक्षुणी संघ में से एक भिक्षुणी थी, उसके साथ क्या करता था, हमेशा अच्छा व्यवहार करता था, उसके साथ अच्छा संसर्ग करता था, अच्छे से रहता था। और उस भिक्षुणी को यदि भी कोई बुरा भला कहता है तो वो क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है। तो बाकी भिक्षुओं को ये बात सही नहीं लगी। बाकी भिक्षुओं ने फिर भगवान के पास गए, भगवान इस मूल्य फगुण का ऐसा बिहेवियर है, आप कुछ उसको समझाइए। इस प्रकार से भगवान को उनसे कंप्लेंट की। फिर भगवान ने उनको बुलाने को लिए कहा। भगवान ने पूछा उसको कि क्या मूल्य फगुण, कि तुम किसी भिक्षुणी के साथ अच्छे, तुम्हारे अच्छे से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, तो उसको कुछ बुरा भला कहा दिया, तो क्या तुम्हारे मन में तुम भी उसको बुरा भला कहने लगते हो? तो उसने कहा हाँ भगवान, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो भगवान ने उनको समझाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। हाँ, भगवान ने उनको कहा कि क्यों फागुन, तुम कुलपुत्र हो, श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर वन प्रव्रजित हुए, तो क्या इसलिए ही तुम घर से प्रव्रजित होके, घर छोड़ के बेघर होके प्रव्रजित हो गए हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बंदे ऐसा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बबुण, यह तेरे समान श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर हो प्रव्रजित कुलपुत्र के लिए योग्य नहीं है कि तू भिक्षुणियों के साथ अत्यंत संसर्ग रखे। इसलिए फगुण, चाहे तेरे सामने कोई भी भिक्षुणियों की शिकायत करे, तो फगुण जो तेरे भीतर घर की ये राग है, जो तेरे भीतर घर की ये वितर्क है, ख्याल है, उन्हें छोड़ देना। वहां फगुण तुझे इस प्रकार सीखना चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि कुलपुत्र जो होते हैं, जो प्रवचित होते हैं, तो वो राग को संकलित नहीं करते हैं, मन में द्वेष को संकलित नहीं करते हैं, इस प्रकार से इसे आसक्ति में नहीं डूबते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उन विचारों को, उन रागयुक्त विचारों को, उन अकुशल विचारों को, वितर्क को छोड़ना चाहिए, उससे छोड़ता हुआ तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए। तो भगवान उसको उपदेश करते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से सीखना चाहिए, मेरे चित्त में विकार नहीं आने पाएगा, दुर्वचन मैं मुंह से नहीं निकालूंगा, द्वेष रहित हो मैं मैत्री भाव से हित और अनुकंप हो विहरूंगा। इस प्रकार से मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं ये करूंगा, और दुर्वचन में नहीं बोलूंगा, कटुता वचन में नहीं बोलूंगा, द्वेष वाणी से मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि मैत्री भाव से, है ना, मेत्ता सहजेन चित्तस्य हरित्वा विहरेमि। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैत्री सहगत चित्त से तुम विहार करेंगे, इस प्रकार से तुम्हें सोचना चाहिए, तो यह शिक्षा तुमने ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार फगुण तुझे सीखना चाहिए। इसलिए फगुण, चाहे तेरे सामने कोई उस भिक्षुणियों को हाथ से पीटे भी, है ना, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए, राग नहीं उत्पन्न होना चाहिए, द्वेष नहीं उत्पन्न होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। मैत्री तो तुम भिक्षुणियों पे करोगे, लेकिन जो उस भिक्षुणियों को बुरा भला कह रहे हैं, उनको भी तुम्हें क्या करना चाहिए, मैत्री तुम्हारे मन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यह व्यक्ति किसी को बुरा कह रहा है तो उसके प्रति कटुता का भाव, घृणा का भाव मन में नहीं आना चाहिए, उसके प्रति क्या होना चाहिए, हमेशा मैत्री का भाव आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भले ही उस भिक्षुणियों को कोई मारे, है ना, हाथ से मारे, डेले से मारे, डंडे से मारे, किसी शास्त्र से भी क्यों ना प्रहार कर दे, फिर भी फगुण तुम्हारे भीतर ये राग जो है उत्पन्न नहीं होना चाहिए, द्वेष जो है उत्पन्न होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और दुर्वचन तुम्हारे मन से नहीं निकलने चाहिए। तुमने हमेशा यह विचार करना चाहिए कि मैं मैत्री सागर चित्त से हमेशा विहार करूंगा, है ना, उस पर भी क्या करूंगा, मैत्री करूंगा। इस प्रकार फगुण तुम्हें सीखना चाहिए। इसलिए फगुण, चाहे तेरे सामने कोई इस भिक्षुणी की शिकायत करे, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, तुम्हारे भीतर राग द्वेष जो है उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तेरे सामने कोई उसको प्रहार करे, उसको मारे, डंडे से मारे, पीटे, बुला बरा करे, यहाँ तक कि शस्त्र से भी प्रहार करे, उसको मार भी क्यों ना दे, फिर भी तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए, मैत्री की भावना होनी चाहिए, यह तुम्हें सीखना चाहिए। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यह तुम्हें सीखना चाहिए। तब भगवान ने उन भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, एक बार भिक्षुओं ने मेरे चित्त को प्रसन्न,
मेरे चित्त को प्रसन्न किया था, है ना। तो एक बार मैंने भिक्षुओं को संबोधित किया कि इस प्रकार से भिक्षु भगवान बता रहे कि एक समय की बात है कि भिक्षु ने मुझे मेरे चित्त को प्रसन्न किया था। ऐसा क्यों हुआ था? तो भगवान पुरानी बातें बताते कि मैंने भिक्षुओं को संबोधित किया था कि भिक्षु मैं एकासन एक भोजन सेवन करता हूँ, है ना, एक ही आसन पहन एक यूज करता हूँ, एक ही बार भोजन सेवन करता हूँ, फिर भी मेरा क्या है, स्वास्थ्य निरोगी है, मेरे मन में स्फूर्ति है, बल है, और मैं पासु विहार यानी कि सुख विहार से रहता हूँ, अपने में पाता हूँ, सुख में अपने को पाता हूँ। आओ भिक्षु, तुम भी एकासन भोजन करके, भोजन का सेवन करके स्वास्थ्य और निरोगी और स्फूर्ति को, बल को अनुभव करते हुए, सुख को अनुभव करते हुए विहार करो। तो भिक्षुओं को मुझे अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं थी, उन भिक्षुओं को याद दिला देना भर ही मेरा काम था, है ना। तो भगवान ने समझाया कि मैंने उन भिक्षुओं को केवल कहा, है ना, केवल उनको याद दिलाया कि तुम एक टाइम का भोजन करो, तुम सुख से विहार करोगे, अच्छे से स्वास्थ्य रहोगे, निरोगी रहोगे, बलयुक्त रहोगे, स्फूर्तिदायक रहोगे, सतिमान रहोगे, केवल ऐसा मैंने कहा और उन्होंने वो मान लिया, है ना। ऐसा हुआ कि केवल मैंने उनको याद दिलाया कि तुम ऐसा करो और वो करने लगे, उनको मुझे अनुशासित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको कोई दंडित करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई अलग से शिक्षा का प्रावधान रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो उस प्रकार से भगवान ने समझाया, है ना। तो जो भगवान एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे विश्व उद्यान में, गार्डन में, चौरस्ते पर घोड़ा सहित घोड़े जूता, जो जो घोड़ा होता है, रथ होता है, तो उसको क्या होता है, जो रथ चलाने वाला होता है, सारथी होता है, वो क्या करता है कि उसके हाथ में लगाम होती है, बाएं हाथ में लगाम होती है और दाएं हाथ में वो चाबुक होता है। तो वह भले उस घोड़ों को चाबुक से मारता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे चाबुक दिखाने से, चाबुक से आवाज आवाज करने से, इस साइड में आवाज खींच जाए तो घोड़े इस साइड में चले जाते, इस साइड में आवाज खींच जाए तो घोड़े इस साइड में चले जाते। उस सारथी को उन घोड़ों को पीटने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल आवाज कर दिया, चाबुक दिखा दिया और वो घोड़े सही डायरेक्शन में चले जाते, सही मार्ग पे चले जाते। ठीक उसी तरह मुझे उन भिक्षुओं को अनुशासित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल उनको याद दिलाना ही काफी था। तो इस प्रकार से भगवान ने वो समझाया, वह दृष्टांत दिया है। तो जो विनय है, भगवान बुद्ध का जो विनय पिटक है, या फिर विनय है, पाठ्यपुत्र के नियम है, या फिर कौन से भी जो सिखिया है, 75 सिखिया, कौन से भी नियम है, जो विनय है, कायदे कानून भगवान ने बनाए हैं भिक्षुओं के लिए, वो भी इसी प्रकार से बनाए हैं, है ना। बहुत बार ये सवाल उठता है कि भगवान तो सर्वज्ञ थे, तो फिर उन्होंने एक ही साथ पूरे, वो तो फ्यूचर भी जानते थे ना, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, कौन से कौन से भिक्षु क्या क्या गलती करने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने वो जो विनय है एक साथ नहीं बनाए, 227 भिक्षुओं के लिए, 311 भिक्षुओं के लिए नियम बनाए हैं, तो वह एक साथ नहीं बनाए भगवान, धीरे 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 महापरिनिर्वाण तक आते आते भगवान ने अनेकों प्रकार के नियम बताए। तो 227 जो कुल नियम भिक्षुओं के लिए बनाए हैं और 311 भिक्षुओं के लिए। तो यह जो नियम है, भगवान कैसे बनाते थे कि जब कोई भिक्षु कोई गलती करता है तब जाके भगवान उस पर विनय बनाते थे कि ऐसा करना बुरी बात है, ये पाचित्य है, ये पराजिका है, इस प्रकार से भगवान नियम बनाते थे। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान ने भी उसका एक ये कर दिया है, इसका एक स्पष्टीकरण कर दिया है कि जो शुरुआत के भिक्षु थे, है ना, जो शुरुआत के भिक्षु थे वह क्या थे, भगवान बुद्ध के समझो, जब वो उन पंचवर्गीय को भिक्षु संघ बनाया, पंचवर्गीय भिक्षु को धम्म दीक्षा दी, उसके बाद व्यास के साथ उनके 55 साथियों को धम्म दीक्षा दी। तो ये सभी संघ को भगवान ने चरत भिक्खवे चारिकांग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा उपदेश दिया, तब उनको कोई किसी प्रकार का नियम नहीं बनाया, केवल एक ही बताया कि चरत भिक्खवे चारिकांग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना। तो भोजन हित के लिए, भोजन सुख के लिए तो विहार करो, कितना ही बताया है, उसके अलावा भगवान ने कुछ बताया नहीं, विशेष रूप से बताया नहीं, कोई विनय बताया नहीं, ये तुम फॉलो करो, ये 227 नियम, ऐसा कुछ बताया नहीं। तो क्यों नहीं बताया? उसके बाद भी बहुत सारा संघ विस्तारित हुआ, है ना, नदी कश्यप, गया कश्यप, उर्वेला कश्यप, इनका हजार हजार भिक्षुओं का संघ बना, तभी भी भगवान ने कोई विनय नहीं बनाया। लेकिन बाद में जब भिक्षुओं की तादाद बढ़ती गई, राजगृह में जब भगवान ने 3 वर्षावास किए, उसके बाद जो भिक्षु संघ की तादाद बढ़ती गई, लोग आने लगे, भिक्षु बनने लगे, तो वेलुवन में वहां से स्टार्ट होता है विनय बनाने का। एक एक भिक्षु आता है जो नया होता है, सिखिया होता है, और वो फिर एक आधा
अकुशल कर्म कर देता है, बुरी घटना कर देता है, तो भगवान उस समय विनय बना दे कि हाँ ये बात ठीक नहीं है, आगे से ऐसा कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो पाचित दिया है उसको ये शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा, अनुशासन बनाया भगवान ने। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि जो 327 नियम जो भगवान ने एक-एक करके बनाया, ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि जो पहला भिक्षु संघ था, जो भगवान के सम्मुख भिक्षु संघ था, जो पहला पहला शुरुआत का भिक्षु संघ था, वह निर्दोष था, है ना, वह किसी प्रकार के, क्योंकि वो सब अरंध ही थे, है ना, या फिर बाद में आने वाले अच्छे परिपक्व लोग थे, तो वो विनय का खंडित नहीं करते थे, है ना, उनका बिहेवियर ही एक विनय था। जिस प्रकार से भगवान ने उपोषित सूत्र में बताया है कि जो 8 शील होते हैं, वो 8 शील क्या होते हैं, वो अरंत के बिहेवियर होता है, उसका स्वभाव होता है, उसको पालन करने की किसी इंटेंशन से पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल क्या करता है, स्वभाव से, अपने स्वभाव से वह शील पालन करता रहता है। तो इस प्रकार से पहला पहला जो भिक्षु संघ था वह विनय से परिपक्व था, वो अपने आचरण से परिपक्व होने के कारण उनको विनय की आवश्यकता नहीं थी, अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार का दंड का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। और बाद में भी जो बना उनको भी क्या कहा भगवान ने, जिस प्रकार से बताया कि केवल उनको याद दिलाना कि भिक्षु ये करो तो वो करने लगते थे, भिक्षु ये मत करो तो वो करने लगते थे, उनको अलग से ये नहीं किया तो शिक्षा मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि तब का भी भिक्षु संघ ऐसा था कि वह जो है बुरे कर्म नहीं करता था, नहीं करता था इतने डीप वाले बुरे कर्म नहीं करता था, पाराजी का नहीं करता था, संगा जी नहीं करता था, तो इसीलिए वह परिशुद्ध था, है ना, परिशुद्ध होने के कारण उसमें विनय बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब से भिक्षुओं की तादाद बढ़ती देख लगी, भिक्षु संघ लगने लगा, तो अनेकों प्रकार के भिक्षु आने लगे, है ना, अनेकों प्रकार के लोग भिक्षु बनने लगे, तो उनको संचालित करने के लिए, संघों को संचालित करने के लिए भगवान ने के अनुशासन का, विनयों का ईजाद किया, विनयों का, शिक्षा और प्रावधान का ईजाद किया। तो पहले के जो भिक्षु थे केवल उनको याद दिलाना ही काफी था कि हाँ तुम ऐसा करो तो वो करने लग जाते थे, उनको अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से उस समय में मेरा चित्त कैसा था, प्रसन्न होकर व्यवहार करता था, इस प्रकार से भगवान ने समझाया कि ना मेरे चित्त को प्रसन्न होते करते हुए वो मैं विहार करता था। लेकिन जैसे जैसे भिक्षु एक एक थोड़े थोड़े ये करने लगे तो क्या होता था, भगवान को थोड़ा ये होता था, प्रसन्न चित्त का डावाडोल होता था, लेकिन भगवान तो समता में रहते थे, मैत्री भावना में रहते थे, करुणा भावना में रहते थे, इस प्रकार। तो ये भगवान ने समझाया उनको अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भिक्षु तुम भी अकुशल कर्म को छोड़ दो, है ना, भगवान बताना चाहती कि अभी मैं भी आपको इसमें कुछ अलग से अनुशासन, अलग से शिक्षा का प्रावधान नहीं बनाऊंगा, तुमको केवल मैं याद दिला रहा हूँ कि तुम भी अकुशल कर्मों को छोड़ दो, है ना, कुशल कर्मों को धारण करो, इस प्रकार से तुम भी धर्म में वृद्धि कर पाओगे, है ना, विपुलता आपको प्राप्त होगी। जैसे भिक्षु गांव या निगम माने कि कस्बे के पास जो सघनता से आच्छादित महान शाल वन हो, है ना, साल वन हो, उसका कोई अर्थकारी जो हितकारी योगक्षेम कार्य पुरुष उत्पन्न हो, मतलब कि जो एक गांव के बाहर, गांव या गांव के दूर या बाहर कोई शाल वन हो, शाल का उद्यान हो, उसको अच्छे से देखभाल करने वाला, उसको हित करने वाला कि हाँ ये जंगल अच्छे से बने, शालू वन जो है अच्छा सा डेवलप हो, ऐसी इच्छा आकांक्षा योग क्षेम रखने वाला जो पुरुष है, वह उस शाल के रस ओज की अपहरण करने वाली टेढ़ी टहनियों को काट कर बाहर ले जाए, वन के भीतरी भाग को अच्छी तरह साफ कर दे, और जो शाल यष्टिया सीधी सुंदर तौर से निकली है उन्हें अच्छी तरह से रखे। इस प्रकार से वह शाल वन दूसरे समय पीछे वृद्धि और विपुलता को प्राप्त हो। माने कि एक आधा शाल वृक्ष वन में जाता है, शाल वन की सफाई करता है, वो ऐसा देखता है कि वो जो टहनिया है, छोटा वृक्ष होता है समझो, तो उसको अलग 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 प्रकार की टहनिया आती है, लेकिन वो क्या करता है कि जो साइड में जाने वाला टहनिया काट देता है, और केवल जो सीधी सीधी टहनिया है उनको वह रहने देता है। उससे क्या हो जाता है, कुछ समय पश्चात, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब वो आएगा, तब क्या हो जाएगा, वह जो शाल वृक्ष की जो जो बांधा है वो कैसा हो जाएगा, सीधा सीधा बढ़ेगा, ना कि इधर उधर बढ़ेगा, और जो सीधा सीधा बढ़ने से क्या हो जाएगा, उससे अच्छी लकड़ी मिल जाएगी और बड़ी बड़ी लकड़ी मिल सकती है, टेढ़ी मेढ़ी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शाल वृक्ष में वह गुण नहीं आ पाएगा।
इस प्रकार से चार वृक्ष की विपुलता कैसे होंगी कि उसकी कटाई करने से अच्छे से टेढ़ी मेढ़ी जो गई हुई लकड़ियां है, यष्टिया है, डंडिया है और डालिया है, उसको काट के और एक वाली जो सीधी वाली है उसको रहने देने से क्या हो जाएगा, वो अपने आप विपुलता को प्राप्त होगा, अपने आप बढ़ेगा, एकदम बाहर लेगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही भिक्षु तुमने भी अपनी बुराइयों को छोड़ दो, है ना, बुराई अपने मन भी मन में मन को अगर ऊजू करना है, मन को अगर सीधा करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो बुरी डायरेक्शन में जाने वाले विचार है, कुदरक है, तो उसको काटना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा और अच्छे विचारों को जगह देनी पड़ेगी। तब क्या हो जाएगा, आगे चल के तुम्हारा मन विपुलता को प्राप्त होगा, धर्म में वृद्धि करेगा, धर्म में आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से तुम भी क्या हो जाएंगे, धर्म की विपुलता को प्राप्त हो जाएंगे। तो भिक्षुओं भूत काल में भी इसी प्रकार की इसी सावस्ती में तो भगवान यहाँ पे जो पास्ट की कहानी बताते हैं कि जातक कथा जो बोलते हैं, ये जातक कथा में वह आई है, अलग अलग जगहों पे ये जो है कहानी आई है। विशेष कहानी है कि एक पुराने समय की बात है, भगवान जातक कथा बताते हैं कि एक सावस्ती में वैदेहिका नाम की एक जो गृहपत्नी थी, धनी श्रेष्ठी की पत्नी थी, तो वह क्या करती थी, वैदेहिका की उसकी एक ख्याति पड़ी थी, दूर दूर दराज में क्या होती थी उसकी ख्याति हुई थी, मंगल कीर्ति फैली हुई थी कि वैदेहिका यह क्या है, एकदम असुरत है, क्या बोलते हैं उसको, निष्कलह है, किसी प्रकार का कलह नहीं करती है, वो बस शांत है, एकदम शांत है, अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो किसी किसी झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार से उसकी मंगल कीर्ति सभी जगह पर फैली हुई थी। तो उसको क्या थी, एक काली नाम की दासी भी थी उसके पास, वह काली भी क्या थी, अच्छे से उसका काम धाम करती थी, साफ सफाई करती थी, झाड़ फूक अच्छे से अपना काम करती थी। तो एक समय में क्या हुआ कि काली के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरी जो मालकिन है ना वैदेहिका, उसका तो बहुत दूर दूर तक नाम है, वो बहुत फेमस है अपने शांत स्वभाव के लिए, अपने अच्छा आचरण के लिए, तो क्यों ना मैं मेरी मालकिन की टेस्ट ले लूं, है ना, क्योंकि क्या है कि मैं तो अच्छे से काम करती हूँ इसीलिए मेरी मालकिन अच्छे से बर्ताव करती है ना। तो बाकी सभी जगहों के जो उस समय में दास दासियों की प्रथा थी, तो दास दासियों को लोग टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, अलग प्रकार के हिंसा पीड़न करते थे, तो लेकिन क्या थी, ये वैदेहिका बहुत अच्छे से उस दासी को रखती थी। तो दासी के मन में आया कि मैं अगर अच्छा काम कर रही हूँ इसीलिए मेरी दासी ऐसा कर रही है, क्या उसका ऐसा बिहेवियर ही ऐसा है, ये मैं एक बार चेक कर दूँ। तो एक चेक करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या करती है, ये जो काली दासी है एक दिन क्या करती है, लेट उठती है, लेट उठती है तो वो बोलती है कि क्या रे काली, तुम आज लेट उठ गई, तो ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ नहीं है यार, ऐसे ही मैं उठ गई, ऐसा उसने कहा, है ना, मानी की जो श्रेष्ठ आर्य स्वामिनी, जो मेरी स्वामिनी है, मालकिन है, उसको अय्या कहते थे, तो क्या क्या रे काली, तो तुम इतना दिन चढ़ने के बाद कैसे उठी, कुछ नहीं है यार, इस प्रकार से उसने कहा, तो कुछ नहीं है ऐसी बात है, तो ऐसा करते वो उसको जाने देती, ठीक। फिर दूसरे दिन भी दासी के मन में उत्पन्न आया ना, मेरी मालकिन तो शांत दिखती है, तो क्यों ना मैं और डीप जाके उसके एक बार और टेस्ट ले लूँ। तो फिर दूसरे दिन भी क्या करती है कि वो और लेट उठती है थोड़ा बहुत, ना तो 7-8 बजे उठ जाती है, तो फिर वो क्या रे काली, तो तुम आज दिन चढ़ने के बाद कैसे उठ गई, कुछ नहीं है यार, इस प्रकार से उसने रिप्लाई दिया। तो फिर वो एकदम क्या करने लगी, गुस्सा उसके मन में आ गया कि उसके मन में गुस्सा तो आ गया, अरे इतनी जल्दी इतनी देर कैसे उठ गए तुम, वैसे मन में तो उसके गुस्सा था लेकिन उसने दिखाया नहीं, यहाँ ठीक है, तो उसने कि उसके मन में एकदम कटुता था, कटुता का कुछ विदासी को कह दो कुछ बोल दो, लेकिन वो अपनी मान अपमान से भी डरती थी कि लोग क्या कहेंगे इस प्रकार से, और वो भी समझ मतलब कि वहां उड़ गई होंगी दासी इस प्रकार से, तो उसको कहने लगे कि हाँ फिर से आप जल्दी उठा करो, इस प्रकार से उसने कहा और उसको डाल दिया। फिर तीसरे दिन भी क्या कर दिया कि काली ने फिर से टेस्ट लेने के लिए क्या कर दिया कि मैं फिर और देर से उठूंगी और मेरी मालकिन की परीक्षा लूंगी, इस प्रकार से वो सोचने लगी और फिर और ज्यादा लेट उठने लगी, है ना, 8-9 बजे उठ गई, तो फिर मालकिन को बहुत गुस्सा आ गया, वो वैदेहिका नाम की थी, तो उसने क्या कर दिया कि इतना हर रोज लेट उठती थी, एक दिन की बात हो रहे हैं, है ना, ऐसा वैसा कहते हुए वो चिल्लाने लगे उसके ऊपर, और वो गुस्से से वो जो फ्लावर पॉट था, वो फ्लावर पॉट उसने क्या कर दिया, उस दासी के हाथ पर फेंक दिया और उसको जाके यहाँ पे लग गया काली दासी को।
और फिर यहाँ से खून बहने लगा। फिर वो काली बाहर निकली, गली गलियारे में निकली और दौड़ने लगी कि देखो मेरे मालकिन ने मुझे मारा पीटा, मुझे मालकिन ने मेरा खून तक बहाया। उसका कारण क्या था कि केवल मैं लेट उठ गई हूँ, तो ऐसी मेरी मालकिन गुस्सैली है, मतलब शांत स्वभाव की नहीं है, जैसा वो दिखती है वैसी नहीं है। तो फिर क्या हो गया, पूरे गांव में ये पसर गया, ये जो 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 वार्ता थी, ये जो न्यूज थी, पूरे गांव में चली गई। तो फिर गांव के लोगों को फिर समझ में आ गया कि ये तो क्या है, जो वेदे का है, जो दिखती है वैसे नहीं है, वो शांत नहीं है, उसके मन में भी गुस्सा भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से भगवान ने वह कहानी बताई है कि इसी प्रकार भिक्षु, यहाँ एक भिक्षु तभी तक सूरत रहता है, निवात उपशांत रहता है ना, मतलब तभी शांत रहता है, अच्छा रहता है, जब तक कि उसको अप्रिय शब्द पथ में वह नहीं पड़ता है ना। मतलब कोई कोई व्यक्ति जो है, व्यक्ति है कि या फिर भिक्षु है, क्या होता है कि जब तक प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती, जब तक उसके साथ बुरा वर्तन नहीं होता, तब तक क्या होता है, वो शांत सा दिखता है, वो अच्छा दिखता है। लेकिन कुछ जब बुरी सिचुएशन आती है, तब क्या हो जाता है कि उसका रियल नेचर जो है हमारे सामने आ जाता है ना, हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का आदमी है ना। इसीलिए शुरुआत में सब लोग अच्छे अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन क्या होता है कि छोटी मोटी बारकियां जो है, लोग क्या होते हैं कि आमतौर पर दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल के बाहर होता है, उनका प्रतिकूल परिस्थिति उनके कंट्रोल के बाहर होती है, तो राग द्वेष मोह उभर के आता है उसके मन में से, है ना, और वो शांत नहीं होते, फिर गुस्सेले हो जाते हैं, राग रंजित हो जाते हैं, द्वेष रंजित हो जाते हैं। तो क्यों, तब तक लोग शांत रहते हैं कि जब तक अनुकूल परिस्थिति है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, उनके मन मुताबिक हो रहा है, तो वो अच्छा शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके मन के विरुद्ध कुछ होने लगा, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने लगी, प्रतिकूल व्यक्ति उसके सामने आने लगा, तो वहां क्या होता है, मन अशांत सा हो जाता है, व्याकुल सा हो जाता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा करने लगता है। तो इस प्रकार से भिक्षुओं, भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं उस भिक्षु को सुवच नहीं कहता कि जो उस भिक्षु को सुवच नहीं कहता कि जो भिक्षु चिवर, जो भिक्षान्न है, शयनासन है, रोगियों के पथ्य सामग्री के आवश्यक सुवच होता है ना, माने कि उसको पिंडपात मिलता है, चिवर मिलता है, सेनासन मिलता है, गिलान पच्चा मिलता है, ये चार चीजें मिलती है, तो वह सुवच होता है, तब तक सुवच देखता है, जब जब उसको मिल रहे हैं तो वो अच्छा अच्छा व्यवहार करता है, मृदुभाषी होता है, अच्छा अच्छा बोलता है, अच्छा अच्छा दिखता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो उसकी जो चार आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है, उसको खाना मिल जाता है, चेवर मिल जाता है, सेनासन मिल जाता है, और गिलान बच्चा औषधि वगैरह मिल जाती है, तो वो तब तक आसानी से रहता है, शांति से रहता है। लेकिन जब इसको ये चार चीजें नहीं मिलती, तब वो क्या होता है, व्याकुल सा होने लगता है ना, मन में क्या हो जाता है, बेचैनी आ जाती है, मन में द्वेष उत्पन्न होने लगता है, राग उत्पन्न होने लगता है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है, तो ये विकार उसके सामने आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को मैं सुवच नहीं कहता, ऐसा भगवान जो है बोलते हैं। तो किस व्यक्ति को भगवान सुवच कहते हैं कि जो भिक्षु सुवच किस समय में रहेगा, कि जो भिक्षु केवल धर्म का सत्कार करते हुए, है ना, धर्म का गौरव करते हुए, धर्म की पूजा करते हुए रहता है, विहार करता है हमेशा, है ना, मुझे मिल रहा है तो धर्म के कारण मिल रहा है, और मुझे जो नहीं मिल रहा है वो भी मेरे धर्म के कारण मिल रहा है, मेरे कर्म के कारण मिल रहा है, इस प्रकार से जो शांत रहता है वो धर्म का हमेशा, धर्म को हमेशा क्या करता है, सम्मान करता है, पूजा करता है, उसकी क्या करता है, गौरव करता है। हाँ, भले ही मुझे ये नहीं मिल रहा है ना, ये औषधि नहीं मिल रही है, गिलान बच्चा नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, ये चीवर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके धर्म के प्रति श्रद्धा कमजोर नहीं होती है ना, क्योंकि उसको पता है कि ये जब ये सब हो रहा है वो मेरे धर्म के कारण, मेरे धर्म के कारण। इस प्रकार से अगर वो उसका आचरण है, तो इस प्रकार से वो खुद को शांत करता है, सुवच करता है, तो उसको भगवान ने कहा है कि वह सुवच होता है, उसके बाद वो हमेशा करेगा मृदु भाषिक होता है, वो अच्छे से बोलता है, तो उसको ही मैं क्या कहूंगा, सुवच कहता हूँ। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिए कि केवल धर्म का सत्कार करते हुए, धर्म का गौरव करते हुए, धर्म की पूजा करते हुए सुवच होऊंगा, मृदु भाषी होऊंगा, है ना। तो केवल मुझे व्यवहारिक चीजें, केवल मुझे भौतिक चीजें मिल रही है, तभी जाके मैं धर्म का गौरव करूंगा, तभी जाके मैं लोगों से अच्छी अच्छी बातचीत करूंगा, तो ये क्या है, ये सुवच नहीं है, सुवचस्तता नहीं है। सुवचस्तता कब है कि जब धर्म का गौरव, तुम्हारे मन में धर्म है
ना, धर्म धर्म तुम्हारे भीतर है, मैत्री है तुम्हारे भीतर, करुणा है तुम्हारे भीतर, और धर्म का तुम रेस्पेक्ट करते हो, है ना। तो धर्म को धारण करोगे, धर्म की पूजा कैसे करोगे कि धर्म को धारण करके धर्म की पूजा करोगे, धर्म के रेस्पेक्ट कैसे करोगे कि धर्म का आचरण करके रेस्पेक्ट करोगे। तो धर्म से ही क्या हो जाएगा, तुम्हारे भीतर से जो वाणी आएगी वो कैसे आएगी, मृदु वाणी आएगी, है ना। तुम जो भी जो तुम्हारा आचरण कैसा होगा, शांत आचरण होगा। तो इस प्रकार से विश्व तुम्हें सीखना चाहिए, धर्म को धारण करना सीखना चाहिए। केवल भौतिक चीजों मिल रही है, केवल भौतिक सुख शांति मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मानसिक सुख शांति भी तुम्हें मिल जाएगी। जब तक धर्म तुम धारण नहीं करोगे, तब तक मानसिक सुख शांति तुम्हें नहीं मिलेगी, है ना। तो केवल लोगों को दिखाने के लिए, केवल अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, केवल अच्छा अच्छा मेरे साथ होना चाहिए, इस वजह से जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है, अच्छा बोलता है, वह सोवचस्यता का पालन नहीं करता है, वह हितकारी उसके लिए नहीं होता है। तो केवल मेरी मन की शांति स्थिर रह जाए, है ना, मेरे मन में क्या हो जाए, हमेशा धर्म पनपने लगे, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, मेरी मानसिक शांति का भंग ना होए, इस कारण जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है, वही क्या होता है, सोवचस्यता होता है, सुनने वाला होता है, और अपने आप को धर्म की राह पर, धर्म की उजू राह पर, रुजू राह पर लेने वाला, ले जाने वाला होता है। तो इस प्रकार से तो विश्व पांच वचन पद कहते हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो पांच प्रकार की बातें करते हैं। कौन से पांच प्रकार की? एक तो वो काल से या फिर अकाल से बातें करते हैं, है ना। क्या करते हैं कि एक तो राइट टाइम पे बात करते हैं, एक तो रॉन्ग टाइम पे बात करते हैं। तो ये पहली बात होती है, लोग जब भी बातें करते हैं तो पांच प्रकार की बातें करते हैं, है ना। कौन सी पांच प्रकार की? एक तो राइट टाइम पे आपसे बात करेंगे, या तो रॉन्ग टाइम से, आप रॉन्ग टाइम पे आपसे बात करेंगे। दूसरा है, एक तो क्या करेंगे कि तो यथार्थ बात करेंगे, नहीं तो निरर्थक बात करेंगे, है ना। ये दूसरा टाइप है। कोई व्यक्ति आएगा तो एक तो सही सही समय पे आएगा, सही समय पे बातचीत करेगा, या फिर जो रॉन्ग टाइम है, सही समय नहीं है, उस समय में आएगा बातचीत करेगा। दूसरी बात वो करेगा कि एक तो यथार्थता, जो सही बात है वही कहेगा, या फिर निरर्थक बात करेगा, कुछ तो भी बेकाम सी बात करेगा, काम की बात नहीं करेगा। दूसरा ये है। तीसरा तीसरा प्रकार ये है कि वो स्नेह से बोलेगा, है ना। उसके मन में क्या है, आपके लिए अच्छे भावना है, सद्भावना है। एक तो सद्भावना से बात करेगा, या तो फिर परुषता से या कठोरता से बात करेगा, है ना। स्नेह से बात करेगा, आपको अच्छा लगने के लिए बात करेगा, या तो आपको बुरा लगने के लिए बात करेगा। तीन है। चार चार चौथा प्रकार यह है कि वो सार्थकता से बात करेगा, या फिर निरर्थकता से बात करेगा। तो इस प्रकार से है। और पांचवा जो है, सार्थक बातें माने की जो इम्पोर्टेंट बातें है वही करेगा, अनइम्पोर्टेंट बातें नहीं करेगा। और पांचवा जो है, मैत्रीपूर्ण चित्त से करेगा, या फिर द्वेषपूर्ण चित्त से करेगा। तो ये पांच ही प्रकार की बातें लोग आपसे आने पर कहते हैं, इसके अलावा कोई अलग बात नहीं करते। पहली बात यह है, राइट टाइम पे आके करेगा, रॉन्ग टाइम पे, राइट टाइम पे या फिर रॉन्ग टाइम पे करेगा। दूसरा है कि जैसा है वैसा बोलेगा, या फिर उसके विपरीत कुछ अयथार्थ बोलेगा, है ना, अबोध से बोलेगा, जो है नहीं वो भी आपको कह देगा, है ना। जैसा है वैसा नहीं कहेगा, कुछ अलग कहेगा। यह है बोध से या फिर अबोध से। तीसरा है स्नेह से या फिर कठोरता से। चौथा है सार्थकता से या फिर निरर्थकता, इम्पोर्टेंट या ऑफर अनइम्पोर्टेंट। उसके बाद जो चाहे मैत्रीपूर्ण चित्त से या फिर द्वेषपूर्ण चित्त से। तो पांच प्रकार से आपको कोई व्यक्ति आएगा तो बात करेगा। तो भिक्षु चाहे दूसरे काल से बात करें, या फिर अकाल से, है ना, राइट टाइम से, राइट टाइम की बात करें या फिर रॉन्ग टाइम की बात करें, राइट टाइम पे बात करें या फिर रॉन्ग टाइम पे बात करें, अभूत से बात करें या फिर अभूत से बात करें, जैसा है वैसा बात करें या फिर जैसा विपरीत बात करें, स्नेह से बात करें या फिर कठोरता से बात करें, सार्थकता से बात करें या फिर निरर्थकता से बात करें, मैत्रीपूर्ण चित्त से बात करें या फिर द्वेषपूर्ण चित्त से बात करें। तो आपको ये सीखना चाहिए ना, वहां विश्व तुम्हें इस प्रकार से सीखना चाहिए कि मैं अपने चित्त को विकार युक्त नहीं होने दूंगा, है ना, और न दुर्वचन मोह से निकलूंगा। मेरे मन में क्या होना चाहिए, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो भी कुछ बातें कही है, उसके रिएक्शन मेरे मन में नहीं होना चाहिए, उसको दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए, उसको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, मिथ्या वाचन नहीं बोलना चाहिए। जो चार है ना, मिथ्या वाचा है, पिसुनाया वाचा है, परुसाया वाचा है, कठोरता वाचा है, तो ये जो है सर्पफल आता है, इस प्रकार से उसके साथ बोलना
नहीं चाहिए। मैत्री भाव से हितानुकंपी होकर विहारूंगा, न कि द्वेष पूर्ण चित्त से। इस प्रकार से उस विरोधी व्यक्तियों को मैत्री पूर्ण चित्त से अलिप्त कर दूंगा, अप्लावित कर दूंगा, है ना। मतलब कि उसको क्या कर दूंगा, उस मैत्रीपूर्ण चित्त से भर दूंगा उसको, लक्ष्य उसका लक्ष्य करके मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर मैत्री करके सारे विश्व में सारे लोगों के प्रति विपुल मेरा मैत्री के चित्त को बढ़ाऊंगा। अप्रमाण मैत्रीपूर्ण चित्त से अप्लावित कर अवैरता अव्यापादता से परिप्लावित कर विहारूंगा, है ना। उस व्यक्ति को आलंबन बनाते हुए मैं मैत्री करूंगा, फिर सभी लोगों को प्रति मैत्री भावना उत्पन्न करूंगा, फिर पूरे पृथ्वी पर ऐसा मेरा पृथ्वी के जैसा मेरा चित्त विशाल करके मैत्री भावना का उस समय में अभ्यास करते हुए विहरूंगा, है ना। मेत्ता सर्गते न चित्तस्य हरिद्वा विहरिणी, इस प्रकार से शिक्षा प्रदान समाधियामी ऐसा करूंगा। इस प्रकार से भिक्षु तुम्हें सीखना चाहिए। जैसा भिक्षु कोई पुरुष हाथ में गुदा लेकर, है ना, हमारे चित्त में क्या है कि बहुत सारी विशाल मैत्री हमें करनी चाहिए उस व्यक्तियों के प्रति, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात करे, अच्छी करे, बुरी करे, ठीक प्रकार से करे, गलत प्रकार से करे, स्नेह से करे, दुर्भावना से करे, सार्थक करे, असार्थकता से करे, निरर्थकता से करे, मैत्री पूर्ण चित्त से करे, कि द्वेष पूर्ण चित्त से। हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा मैत्री करनी चाहिए, उसको बुरा भला नहीं करना चाहिए, उसके प्रति राग द्वेष मोह मन को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, मन को विकार ग्रस्त नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें विहार करना चाहिए और मैत्री करते हुए पूरे संसार के प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति हमारे मन को मैत्री से लिप्त करना चाहिए। इस प्रकार से जैसे भिक्षु भगवान पादी जी के कोई गुदल लेकर आए और वह ऐसा कहे कि मैं इस महापृथ्वी को अपृथ्वी करूंगा, इस महापृथ्वी को नष्ट करूंगा, और वो खोदने लगता है ना, गुदल लेके, वो जो हाथ में गुदल लेके आती है पृथ्वी को खोदने लगता है, और जहां जहां खोदे और वहां वहां से वो मिट्टी ऐसे लेता है और मिट्टी को ऐसे फेंकता है, और इसको कहता है कि ये जो है ना, ऐसे कुदल से खोद के वो टोपले में बर्तन में गोला करके ऐसा क्या करेगा, वो फेंकेगा, मिट्टी लेगा, ऐसा करेगा और फेंकेगा, और कहना कि इस पृथ्वी को ऐसे मैंने खोद दिया है और इसको क्या कर दिया मैंने, अपृथ्वी कर दिया, है ना, पृथ्वी से हटा दिया, पृथ्वी से हटा दिया। तो ऐसा करते करते वो खोदते जाएगा तो क्या वो पूरी पृथ्वी को अपृथ्वी कर पाएगा? तो भगवान वो विष्णु कहते कि नहीं बनते, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। सो किस हेतु, किस कारण ऐसा नहीं कर पाएगा? तो बनते, यह महापृथ्वी गंभीर है, अप्रमेय है, अपृथ्वी की नहीं की जा सकती, वह पुरुष नाहक में परेशानी का भागी होगा, है ना। क्योंकि यह पृथ्वी इतनी बड़ी है कि वो जो फेंकेगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर ही पड़ेगा, इतनी विशाल पृथ्वी है। वो तो खुद को ही अपने को पृथ्वी को खोदते खोदते नष्ट करने की चेष्टा करेगा तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, है ना, खुद ही परेशान हो जाएगा, है ना, क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है। तो इस प्रकार से भिक्षु, ऐसे ही भिक्षु, यहाँ पांच वचन पद है जिसके द्वारा तुम्हें तुम्हारे साथ कोई बोलेगा, एक तो काल से बोलेगा या फिर अकाल से बोलेगा, है ना, सार्थक भूत से बोलेगा या फिर अभूत से बोलेगा, स्नेह से बोलेगा या फिर कटुता से बोलेगा, सार्थकता से बोलेगा या निरर्थकता से बोलेगा, मैत्रीपूर्ण चित्त से बोलेगा या फिर स्नेह द्वेष पूर्ण चित्त से बोलेगा। तो तुम्हारे मन में उसको लक्ष्य मानकर क्या करना चाहिए, तुम्हारे मन में तुमने उसको मैत्री की भावना करनी चाहिए, और फिर तुम्हारी मैत्री सारे लोगों पर ले जानी चाहिए, और फिर पृथ्वी की जैसी जो क्या है अप्रमाण मैत्री भावना तुम्हें करनी चाहिए, इन्फिनाइट जो चक्रवात है उसको भी मैत्री भावना तुमने करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा तुम्हें सीखना चाहिए। तो ऐसा क्यों सीखना चाहिए, दरअसल भगवान ने यह जो उपमा दी है यहाँ पे पृथ्वी को खोदने, तो इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति समझो तुम्हारे मन में तुम्हें गाली दे रहा है, कटु वचन बोल रहा है, तो तुम्हारे मन में अगर मैत्री निकल रही है, हाँ, तो मैत्री तुम्हारी इतनी बड़ी है कि मानो कि पृथ्वी के जैसे बड़ी है ना, पूरे अप्रमाण से पूरे पृथ्वी के लोगों पर, पूरे पृथ्वी के पशु पक्षियों के प्रति तुम्हारे मन में मैत्री का भाव है, तो तुम्हारा चित्त इतना बड़ा हो गया, मैत्री का इतना बड़ा हो गया, और कोई व्यक्ति एक गाली दे रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो कुदल लेके इस पृथ्वी को खोद रहा है और खोदते हुए इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, इस प्रकार से वो विचार करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा है तो क्या है कि वो तुम्हारे मन से मैत्री को निकालने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन में कटुता निर्माण करने की कोशिश करेगा, लोभ द्वेष मोह घृणा मान अहंकार निर्माण करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में उसके ही प्रति नहीं, सभी लोगों के प्रति, सभी जानवरों के प्रति अमहब्बत,
है ना, प्रमाण इस पूरे पृथ्वी के भांति तुम्हारे मन में क्या है, मैत्री की भावना है, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के प्रति, चक्रवान में रहने वाले जीवों के प्रति तुम्हारे मन में मैत्री भावना है, तो वो तुम्हारे मन को खदेड़ नहीं सकेगा, तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सकेगा, क्योंकि क्या है कि तुम्हारे जो मैत्री की भावना है वो क्या हो गई है, अप्रमाण सी हो गई है ना। तो जिस प्रकार से भगवान के समय में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हुई थी, तो एक समय में जो एक ब्राह्मण है वो भी क्या होता है कि भगवान को गाली गलौज करता है भरे सभा में, और भगवान तो कुछ उसको रिप्लाई देते ही नहीं है ना, भगवान तो उसको रिप्लाई देते नहीं, वो गाली करता जाता है, वो परेशान हो जाता है, भगवान को गाली रिप्लाई नहीं दे रहे, तो भगवान के आंग पर वो थूक देता है, तो भगवान ऐसा रुमाल लेके ऐसा पोंछ देते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें और कुछ कहना है क्या, तो फिर वो तो फिर और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं इतना इसको बोल रहा हूँ और ये मतलब रिप्लाई देने की वजह मुझे, मतलब मैंने तो उसके आंख पर थूका भी, फिर भी उन्हें इतने शांत चित्त से, इतने सौम्य चित्त से, इतने मैत्रीपूर्ण वाणी से मुझे कह रहा है कि और कुछ कहना है क्या, कितना भला इंसान है इस प्रकार से। तो वो कहता है कि भगवान मैंने आपको इतनी गालियां दी फिर भी आपने क्यों मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से समझो तुमने कोई मेरे लिए उपहार लाया होगा, गिफ्ट लाया है समझो, और मैंने वो अस्वीकार किया, स्वीकारा नहीं, तो किसके पास रहेगा, तो बोलता है मेरे पास रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि तुमने घर से आते वक्त मुझे गालियों का उपहार लाया और मैंने वो स्वीकारा नहीं, वो तो तुम्हारे पास ही रह गया है। तो इस प्रकार से भगवान के मन में भी क्या थी, तब मैत्री मैत्री युक्त चित्त था उनका, पूरे अप्रमाण मैत्री थी, मांग उनका चित्त था, इसीलिए उस चित्त को वो छोटा सा क्रोध क्रोधी व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति उसकी मैत्री भावना को विचलित नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से हमारे चित्त को हमें अप्रमाण मैत्री भावना में हमेशा विहार करना चाहिए। फिर भगवान उपमा देते हैं कि कोई समझो एक जो ये जो है हल्दी नील लेकर क्या करेगा कि आकाश में चित्र बनाने की चेष्टा करेगा, है ना, कलर लेके क्या करेंगे, आकाश में रंग उड़ाएगा और बना सोचेगा कि मैं आकाश में चित्र बना के दिखाऊंगा, तो क्या संभव है, तो विष्णु कहते नहीं, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आकाश जो है किसी चीज को नहीं पकड़ता है, किसी चीज में लिप्त नहीं होता, ये तो अलिप्त रहता है। तो इस प्रकार से विश्व तुम्हें भी क्या करना चाहिए, जब कोई तुम्हारे साथ ये 5 प्रकार की बातें करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मन को अलिप्त रखते हुए अप्रमाण आकाश के भांति, है ना, स्पेस इनफाइनाइट स्पेस का सीन जो है ना, अनंत आकाश आयतन, आकाश के भांति मन को मैत्री से लिप्त करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, मैत्री का भाव उस व्यक्ति पर करते करते सभी लोगों को करना चाहिए। उस प्रकार से भगवान और उपमा देते हैं कि कोई व्यक्ति गंगा नदी को जलाना चाहता है, तो क्या संभव है, नहीं संभव है, क्यों, क्योंकि गंगा नदी शीतल है, इतनी शीतल है कि वो जो अग्नि है वहां पे प्रज्वलित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से तुम्हारे मन में भी शीतलता निर्माण होनी चाहिए मैत्री की वजह से, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन में द्वेष के कारण अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से भगवान उपमा देते हैं कि मन में हमेशा अप्रेम अप्रमेय अप्रमाण जो है मैत्री का भाव रखना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि अलग 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 उपमा देते थे, अलग अलग प्रकार के वो यहाँ पे देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षु चोर लुटेरे चाहे दोनों और मुठिया लगे आ रहे से, है ना, दोनों मुठिया लगे, दोनों से जो आ रहा है ऐसे दोनों ओर से पकड़ा हुआ, ऐसे क्या करे कि तुम्हारे अंग को चीरे, तो भी यदि तुम्हारे मन में द्वेष, तुम्हारे मन में क्या करे, द्वेष उत्पन्न करने की चेष्टा करे, तो भी यह मेरा शासन का है ना, तुम्हारे मन में अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो यह मेरा शासन कर नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कोई व्यक्ति आके तुम्हें ऐसे आरे से काटने लगे और तब भी तुम्हारे मन में द्वेष उत्पन्न होने लगे, तो इसका मतलब तुम भगवान का शासन नहीं समझे, यह भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं है, वह तुम्हें मार भी दे तो भी तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए, अप्रमाण मैत्री चित्त होना चाहिए, बुरे वचन बोले, लाठी से मारे, डंडे से मारे, शस्त्र से मारे, आरी से भी अंग अंग काटने लगे, फिर भी उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में कटुता का भाव नहीं निर्माण होना चाहिए, उसको दुर्वचन तुमने नहीं बोलना चाहिए, उसके प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए, उसको आलम्बन बनाते हुए सभी संसार के प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए, और अपना चित्त ऐसा पूरा चारों दिशाओं में, है ना, पूर्वमाया दिशा है, पश्चिमाया दिशा है, उत्तराया दिशा है, दक्षिणाया दिशा है, जैसे पूरे चक्रवाल तक अपने चित्त को फैलाना चाहिए, मैत्री देनी चाहिए आपको, यही क्या है भगवान बुद्ध की शिक्षा है। यदि भी तुम्हारे मन में
व्यापार उत्पन्न हो रहा है, वैर उत्पन्न हो रहा है, वैमनस्य उत्पन्न हो रहा है, तो क्या है कि वह भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं है? भगवान ऐसी शिक्षा नहीं देते ना। जिस प्रकार से हमने बहुत सारे उदाहरण है, जो पुण्य भी है, एक बार भगवान बुद्ध के आते हैं, पुण्य सभी होते हैं जो नाला सुपारा से आते हैं, तो वो भगवान से आते हैं, भगवान उनको कहते हैं कि उधर के लोग जो है बहुत क्रूर है, उग्र है, तो उनको कैसा उपदेश देंगे? वो तो मारने लगेंगे, तो भगवान मारने लगेंगे तो ठीक है, वो मुझे लाठी से तो नहीं मारेंगे। भगवान कहते हैं कि लाठी से भी अगर उन्होंने मारा तो भगवान वो तो मुझे, मैं धन्य समझूंगा कि उन्होंने मुझे किसी शस्त्र से नहीं मारा है। तो भगवान कहते हैं किसी किसी ने तुम्हें शस्त्र से भी प्रहार किया तो भगवान मैं तो उनके प्रति मित्रभावना रखूंगा, मैं तो ये समझूंगा कि उन्होंने केवल मुझे मारा है, मुझे मार तो नहीं डाला है। भगवान कहते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें मार डाला तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे? तो वो कहेगा कि भगवान मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा, उन लोगों को थैंकफुल करूंगा, क्योंकि ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, मैं तो कभी ना कभी मरने वाला हूँ, तो उन लोगों ने तो मेरा काम आसान कर दिया मरने का, तो मैं उनके ऊपर मैत्री ही करूंगा। इस प्रकार से भगवान उनको साधुवाद साधुवाद दे, साधु साधु बहुत अच्छा है ना। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हमें मिलती है कि जो भगवान बुद्ध के शिष्य के आते हैं हमेशा मैत्री भावना में रहते हैं। यहाँ तक कि जो महामोगलन कबीर है, उनको भी, उनका भी जो परिनिर्वाण है वो भी क्या हो गया कि लोगों ने उनको मार मार कर मार डाला था, तो उस समय भी उनको उनका चित्त विचलित नहीं हुआ, उनके प्रति द्वेष का भावना उनके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो मैत्री से उनको प्यार करने लगे। मन में कटुता का भाव नहीं, द्वेष का भाव नहीं, समता का भाव रखते हुए वो परिनिर्वाण को उपलब्ध हुए। अगर उनके मन में समता टूट जाती तो वो परिनिर्वाण को उपलब्ध नहीं होते थे, है ना। लेकिन वो अनंत थे, तो इसीलिए उनके मन में कटुता का भाव नहीं उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार से हमें सीखना चाहिए कि भले ही तू तुम्हें मार डाले, भले ही तुम्हें आरे से ऐसे लोग काट डाले, फिर भी तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए? द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए, उसके प्रति क्या होना चाहिए? मैत्री का ही भाव आना चाहिए, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो भिक्षु हो तुम इस कक चौपम मानने के जो आरे के दांत वाला आरा होता है, सौ होता है, करवत होती है, आरे होता है, उसको बार बार क्या करो, मन में धारण करो, और देखते हैं भिक्षु उन वचन पद को अणु या स्थूल जिसे तुम नहीं पसंद करते हैं, तो चिरकाल तक क्या हो जाएगा, तुम्हारे मन में सुख तुम्हारे हित के लिए और सुख के लिए या उपयोगी होगा, है ना। अगर तुम उसको हमेशा दृष्टांत लेते हुए, उस आर्य को दृष्टांत लेते हुए, तुम्हें भले ही वो पसंद आए नहीं आए, फिर भी मैत्री का भावना करते हुए तुम्हें क्या करना चाहिए? विहार करना चाहिए। और ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा कि दीर्घ काल तक तुम्हारे हित के लिए और सुख के लिए काम होगा, है ना। तो भगवान बुद्ध का क्या है कि भगवान बुद्ध ने हमेशा मैत्री के बारे में उपदेश दिया है, ये जहां वहां भगवान मैत्री का बारे में ही उपदेश देते थे, है ना। तो यह सूत्र तो यहाँ पे संपन्न होता है, लेकिन भगवान ने हमेशा हर एक सूत्र में मैत्री की भावना का महत्व बताया है, उसको कैसे किया जाता है वो बताया। तो एक बार आयुष्मान आनंद जो है भगवान से कहते कि भगवान हम हमेशा, मुझे लगता है हमेशा जो है मैत्री भावना का है उपदेश देते रहते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो आधा आधे से ज्यादा धर्म जो है मैत्री का बताते हैं, है ना। आधा धर्म मुझे ऐसा लगता है कि आधा धर्म तो मैत्री का ही धर्म है। तो भगवान कहते हैं आयुष्मान आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, है ना। मैत्री जो है आधा धर्म नहीं है, बल्कि क्या है, मैत्री ही परिपूर्ण धर्म है। तो इस प्रकार से बताते हैं भगवान कि मैत्री अगर मन में रहेंगी तो तुम्हारे मन के जो विकार है वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, है ना। पूरे के पूरे जो मान अहंकार तक क्या हो जाएगा, तुम्हारे मन से नष्ट हो जाएगा, है ना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चार ब्रह्म भगवान ने बताया है। तो ये अरूप ब्रह्म लोक में भी आप जा सकते हैं, अगर आप मैत्री भावना का अभ्यास करते रहेंगे तो, यहाँ तक कि उसकी उसकी उस मैत्री में अगर आपकी प्रज्ञा कल्टीवेट हो जाती है तो क्या है कि आप डायरेक्ट निर्वाण जो है लोकोत्तर भूमि में अविद्या का नाश करते हुए लोकोत्तर भूमि में भी पदार्पण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रज्ञा क्या है, दुख को जानना ही प्रज्ञा है, दुख आर्य सत्य को जानना प्रज्ञा है, दुख के कारण को जानना प्रज्ञा है, दुख निरोध को जानना प्रज्ञा है, और दुख निरोध पड़े पर ज्ञानी को जानना प्रज्ञा है। तो कैसे मैत्री से जाने? तो मैत्री की जो करुणा और मुदिता, ये क्या है, मैत्री के दो अंग है, उपेक्षा भी मैत्री का अंग है। तो करुणा मन में उत्पन्न हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि प्रज्ञा मन में उत्पन्न हो रही, क्योंकि करुणा किसको कहा है भगवान ने, कि दूसरों के दुख को जानना करुणा है ना। अगर हम दूसरों को दुख को जान रहे तो करुणा मन में उत्पन्न हो,
भगवान ने कहा है कि करुणा खुद के ऊपर भी करनी चाहिए कि मैं भी तो दुखी आ रहा हूँ, तो मेरे भीतर भी दुख जानने लगूंगा मैं तो करुणा उत्पन्न होने लगेगी, करुणा है तो मैं दुख जानने लगूंगा, है ना। तो करुणा से दुख आर्य सत्य का मुझे क्या हो जाएगा, बोध उत्पन्न हो जाएगा, और फिर मैत्री से, करुणा से, समता से, उपेक्षा से मैं क्या करूंगा, दुख समुदय आर्य सत्य को जानूंगा कि ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है। दुख समुदय को आर्य को जान लिया, फिर मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से उसका निरोध करने की चेष्टा करूंगा, है ना। समझो किसी छोटा सा बच्चा है और उसके मन, उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो आपके मन में एकदम उसका दुख जान लेते हैं, करुणा जान लेते हैं, अरे ये तो दुखी आ रहा है, रो रहा है, तो आपको कांटा निकालने की चेष्टा करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि मन में करुणा है, आप जान रहे हो कि ये दुखी आ रहा है, तो उसका दुख कम करने के लिए आप चेष्टा करोगे। तो वही क्या है, मैत्री। तो मैत्री से आप उस कांटे को निकालोगे, और भले ही वो कांटे निकालते वो क्रोध, फिर भी क्या करेंगे, मन समता में पुष्ट करोगे, उपेक्षा, ये उसके लिए बहुत दीर्घ काल के लिए, हित के लिए, सुख के लिए ही कर रहा हो। इस प्रकार से उपेक्षा से रहते हुए आप उसके लिए जो कुशल है वही करोगे, है ना। तो दूसरों के लिए कुशल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो यो अत्यानंद रखती वो सो परम रखती, जो सो यो परम रखती सो अत्यानंद रखती, जो दूसरों की रक्षा करता है वो खुद की भी रक्षा करता है, जो खुद की रक्षा करता है वो दूसरों की रक्षा करता है। इस मायने में रक्षा करना कहा है, तो भगवान ने धर्म की राह पर चलते हुए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की राह पर चलते हुए खुद के बेहतर जो धर्म पनप रहा है उसकी रक्षा करो, दूसरों के मन में जो धर्म पनप रहा है उसकी रक्षा करो। तो इस प्रकार से दूसरों के दुख दूर करते रहोगे तो वही सही मायने में धर्म है। दूसरों के दुख को दूर करते करते जाओगे तो खुद के भी दुख दूर होते जाएंगे, खुद के दुख दूर दूर करते जाओगे, दुख समुदाय को नष्ट करते जाओगे, दुख का निरोध करते जाओगे, दूसरों को भी करने के लिए चालना मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट कर पाओगे, उसको राह दिखा पाओगे। यह भगवान की शिक्षा है। तो भगवान ने जिस प्रकार से समझाया कि मैत्री ही संपूर्ण धर्म है, तो वह ठीक ही समझाया है। तो इस प्रकार से यह सत्य को धारण करते हुए, ना भले ही कोई हमें कितना भी मार ही क्यों ना डाले, तो अभी क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उसके ऊपर मैत्री करनी चाहिए, उसको आलम्बन लेके सभी लोगों को मैत्री करनी चाहिए, सभी सत्यों पर मैत्री करनी चाहिए, पूरा अपना चित्त जो है पृथ्वी की भांति विशाल करके, अप्रमाद करके, अप्रमेय करके, मैत्री सहगत चित्त से सभी पृथ्वी, सभी पर पृथ्वी पर रहने वाले, सभी चक्रवात में रहने वाले प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रखते हुए मैत्री करनी चाहिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु।